नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं एक और रिफ्रेशिंग नई रेसिपी के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों में ठंडक देने वाली बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी, जो कि है बेलपत्र का जूस। बेलपत्र का जूस बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, हमारे पेट के लिए ठंडा भी होता है और बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। गर्मियों में बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा ये। आप यहाँ पर पीले बेलपत्र का यूज़ करिए, वो पका हुआ बेलपत्र होता है और वो मीठा भी होता है अंदर से। बेलपत्र को आप गुड एप्पल भी बोलते हैं। अगर आप हरा वाला बेलपत्र यूज़ करेंगे तो वो पका हुआ नहीं होता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है। तो बेलपत्र का रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बेलपत्र। अब हम इन्हें तोड़कर इसके अंदर का जितना भी पल्प है उसे हम एक बाउल में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने जो है बेलपत्र के जो पल्प था उसके अंदर का, वो सारा स्पून की हेल्प से निकाल लिया है। और इसमें आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, जो इसके बीज हैं वो पिसने नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाते हैं या फिर पल्प में वो मिक्स हो जाते हैं तो इसका जो सारा स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो पल्प इसका होता है वो मीठा होता है और जिसके बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो जो बेलपत्र का शरबत आपका मीठा बनने वाला है, अगर बीज टूट जाते हैं, बीज इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वही शरबत आपका कड़वा बनेगा और बिल्कुल उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने बीज ये ना पीसिए। अब हम इस पल्प में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पानी ऐड कर करके इसका जो पल्प था वो अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है और इसके जितने भी एक्सेस फाइबर थे वो हमने यहाँ पर बाहर बाउल में निकाल लिए हैं अलग से। इन फाइबर्स का हमारे पास अब कोई यूज़ नहीं है, आप इन्हें फेंक सकते हैं। हमारे पास ये जो वाटर बचा है इसका, जो हमारे पास पल्प के साथ जो हमने वाटर मिक्स किया था, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पल्प जो बचा है इसको अब हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। आपको चम्मच की सहायता से इस पल्प को ऐसे छन्नी से छानना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो एक्स्ट्रा फाइबर्स थे वो हमने पहले ही बाउल में निकाल दिए थे, तो इस जूस को निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मेरे पास मोटे छेद वाली छन्नी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं छोटी छेद वाली छन्नी से इस जूस को निकाल रही हूँ। अगर आपके पास मोटे छेद वाली छन्नी है तो जूस आपका और जल्दी निकलेगा। ऐसे ही करके हम इस सारे जूस को छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा जूस है, हमारा जो पल्प है, वो अच्छे से छान लिया है। वैसे तो ये रेडी हो चुका है, पर इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई चीनी। यहाँ पर हमने 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच जो पिसी हुई चीनी है वो इसमें हमने डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चीनी तो मिक्स हो ही चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे और टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 छोटी चम्मच काला नमक, और हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा और काला नमक गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, जिसमें भी आप डालें उसका टेस्ट और बढ़ा देता है। आपने गौर किया होगा, कोई भी आप गर्मी में कोई ड्रिंक पीते हैं या फिर कोई, जैसे कि आप कोई लेमनेड पी रहे हैं, आजकल जीरा पी रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर डली होती हैं। अब हम इस जूस को सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है। इस ग्लास में सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी बर्फ। यहाँ पर मैं आइस क्यूब इसमें ऐड कर रही हूँ। आइस क्यूब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ ऐड क्रश्ड पुदीने की पत्तियाँ। यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्तियों को सुखाकर क्रश कर लिया है, वो मैंने इस जूस में ऐड कर दिए हैं। अब इस पुदीने की पत्तियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस जूस को सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सूखी हुई क्रश्ड पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। आप फ्रेश पत्तियाँ भी ले सकते हैं, फ्रेश का भी अलग ही स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, ठंडी होती है हमारे लिए। देखिए, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग जूस जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, हमारा जो बेल का जूस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इसमें आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा नींबू ऐड करने से, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और गर्मियों के सीज़न में हमको ऐसी ही रिफ्रेशिंग रेसिपी का इंतज़ार होता है, क्योंकि हमारे को बहुत हमें बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, हमारा दिन तरोताज़ा कर देती है। ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देती है। अगर आप इस जूस को मॉर्निंग में पी लेंगे तो
तो आपको शाम तक अपनी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आपकी बॉडी में आपको कभी भी एनर्जी लेवल लो नहीं लगेगा और गर्मी नहीं लगेगी। अगर आपके घर में किसी को लू लग गई है तो उसमें भी आप इस जूस को उसे पिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इससे आराम पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग रेसिपी है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के कमेंट में हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने रेसिपी अगर ट्राई करी हो तो उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।